अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपका ध्यान सिर्फ महिलाओं के लिपस्टिक और बालों पर है? उनको अपना सिंहासन हिलता हुआ दिखाई पड़ता है, तो उनका ध्यान सिर्फ महिलाओं के श्रृंगार की ओर है, उनके लिपस्टिक और बालों की ओर है? ये तो चाहते ही नहीं है कि महिलाओं को उनका अधिकार मिले। लेकिन अगर वो इस तरीके का, अगर उनका नज़र है अगर हम औरतों के श्रृंगार पे, तो वो अपने पार्टी की महिलाओं को हो सकता है उस नज़र से देखते होंगे। महिलाओं के श्रृंगार को लेकर के बोलना, उनके सिंदूर और लिपस्टिक को लेकर बोलना, उनके बालों को लेकर बोलना, ये कहीं से उचित नहीं है। महिलाओं के लिए जो भी शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है वो बहुत ही घोर निंदनीय है। माफ़ी तो मांगनी चाहिए, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, और इस तरह से महिलाओं का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, मखौल नहीं उड़ाना चाहिए। उनके पार्टी में ऐसे ही सिखाया जाता है। उनकी खुद घर की महिलाएं अब किस रूप से उन्हें देखेंगी? पूरे देश की महिलाओं को उन्होंने अपना शत्रु बना लिया है। महिला आरक्षण बिल जब से पास हुआ है तब से बिहार की राजनीति काफ़ी गर्म है। इसको लेकर अब जो है राजद के सीनियर लीडर अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जब सदन में महिलाएं जाएगी तो बॉब कट पहन कर जाएगी, लिपस्टिक लगा कर जाएगी। हमारे साथ कुछ महिलाएं, उनसे बात करेंगे। मैम, इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, वरिष्ठ नेता हैं राजद के माननीय अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि क्या आपका ध्यान सिर्फ महिलाओं के लिपस्टिक और बालों पर है? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बिहार ही नहीं देश की समस्त महिलाओं का जो सम्मान किया, नारी शक्ति बंधन अधिनियम 33% आरक्षण बिल देकर को जो उन्होंने सम्मान किया, जो उन्होंने देश ही नहीं राज्यों का नेतृत्व करने का जो मौका दिया, तो इससे मुझे लगता है विपक्षी दल के बड़े नेता का नींव हिल गई है। उनको अपना सिंहासन हिलता हुआ दिखाई पड़ता है, तो उनका ध्यान सिर्फ महिलाओं के श्रृंगार की ओर है, उनके लिपस्टिक और बालों की ओर है। मैं उनको कहना चाहती हूँ कि आप विकास की बात कीजिए, महिला के उत्थान की बात कीजिए, महिला शक्ति के प्रतिनिधित्व की बात कीजिए, महिला के रोजगार की बात कीजिए, और इस तरह अनाप शनाप बोलकर बिहार ही नहीं देश की समस्त महिलाओं का आप अपमान कर रहे हैं। महिलाएँ इस अपमान का बदला लेगी, महिलाएँ नहीं सहेगी इस अपमान को। आप आरक्षण की बात करते हो तो महिला की एक जाति होती है महिला, महिला को आरक्षण दिया है माननीय मोदी जी ने, उन्होंने जाति पाति को नहीं बांटा है, सबों को अवसर मिलेगा, सबों को सम्मान मिला है। मैं पूछती हूँ कि तीन तलाक उन्होंने किया था क्या? उन्होंने उस अंतिम पंक्ति के लोगों को अनाज नहीं दिया, राशन नहीं दिया? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको समान अधिकार उन्होंने दिया है, आरक्षण भी सबको दिया है, आरक्षण भी सबको मिलेगा। लेकिन इस तरह से मतलब कि महिलाओं के श्रृंगार को लेकर के बोलना, उनके सिंदूर और लिपस्टिक को लेकर बोलना, उनके बालों को लेकर बोलना, ये कहीं से उचित नहीं है। हम बिहार की सारी महिलाएं कड़ी निंदा करते हैं, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, और इस तरह से महिलाओं का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, मखौल नहीं उड़ाना चाहिए। आप कैसी देखती हैं मैडम जो ये बयान दिया है उन्होंने? जो बयान उन्होंने दिया है, वरिष्ठ नेता हैं, उनसे ऐसा बयान अपेक्षित नहीं है। देश की महिलाएं ये माफ़ी की मांग करती हैं, जो इन्होंने बयान दिया उसको वापस लें, और जब नारी बंधन, नारी जो 33% आरक्षण का जो बिल मोदी जी संसद में लेके आए हैं और इसको पास हुआ, इसको लेकर महिलाएं बहुत खुश हैं, और उनको ये पच नहीं रहा है, वो विपक्ष में है तो वो इनको ये बात पच नहीं रही है। और सदैव ही ये लोग महिला आरक्षण के विरोधी रहे हैं, सदन में महिला आरक्षण के बिल को इन्होंने फाड़ने का काम किया है, ये तो इतिहास गवाह है। ये तो चाहते ही नहीं है कि महिलाओं को उनका अधिकार मिले, लेकिन माननीय मोदी जी ने देश की आधी आबादी को साथ जोड़कर महिलाओं को सशक्त करने के लिए ये आरक्षण बिल पारित किया है, और इसके लिए हम महिलाएं उनको हृदय से आभार व्यक्त करती हैं, धन्यवाद देती हैं मोदी जी को। और ऐसे लोग, ऐसे नेता एक्सपोज हो रहे हैं देश के सामने, और महिलाएं निंदा करती हैं, अपने इस बयान को उन्हें वापस लेना चाहिए। उन्होंने जिस देश में हम लोग रहते हैं, जिसको भारत माता कहा जाता है, नारी को यहाँ पूजा जाता है, और हम महिलाओं के लिए जो भी शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है वो बहुत ही घोर निंदनीय है। माफ़ी तो मांगनी चाहिए उन्हें, और लेकिन माफ़ी हम महिलाएँ उन्हें देंगी नहीं, क्योंकि ये उनके पार्टी में ऐसे ही सिखाया जाता है, जाति के नाम पर,
धर्म के नाम पे, और इसी तरीके से कि समाज में किसी भी तरीके से लोग आपस में उलझते रहें और इन सब बातों में उलझकर सारा ध्यान इधर उधर भटका दे। लेकिन हम नारी में जो भी शक्ति अभी आई है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नाम कितना खूबसूरत है, हमारा वंदन करते हुए मोदी जी ने आरक्षण दिया है और हम महिलाओं का मनोबल बढ़ा है, जो किचन से लेकर सदन तक हमारी आवाज़ जाएगी, राष्ट्र हित में हमारी भागीदारी रहेगी। और उसको लेके अगर किसी भी तरीके से अगर इस तरीके का अगर कोई बयान देता है और हम लोग विचलित हो जाएंगे तो ये उनकी गलत फहमी है, क्योंकि हम लोग और ज़्यादा शक्ति के साथ, ज़्यादा ऊर्जा के साथ हम अपने राष्ट्रहित के लिए आगे बढ़ेंगे। और हमारे भाजपा परिवार में आप देखेंगे कि द्रौपदी मुर्मू जी हैं, रेणु देवी जी हैं, जो सर्वोच्च पदाधिकारी अभी हैं, तो उन लोगों को देखते हुए क्या ऐसा कहना ही उचित नहीं है? और जहाँ तक 16 श्रृंगार हम महिलाओं के लिए बना हुआ है, हमारे सुहाग की निशानी है, जो सिंदूर हम लोग लगाते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं या बिंदी लगाते हैं, तो ये तो हमारा अधिकार है। लेकिन अगर वो इस तरीके का अगर उनका नज़र है अगर हम औरतों के श्रृंगार पे, तो वो अपने पार्टी की महिलाओं को हो सकता है उस नज़र से देखते होंगे, लेकिन हमारे भाजपा में हम महिलाओं का बहुत ही मान सम्मान है और हमें यहाँ बहुत इज्जत मिलती है। और इन सब बातों पर मुझे ध्यान नहीं देना है, और हम महिलाएँ जो हैं जो 24-25 के चुनाव में उनको दिखा देंगी कि हमारा क्या अधिकार है और उसका क्या महत्व है, ये उन्हें पता चल जाएगा। ऐसे बयानों से उन्हें बचना चाहिए ना? जहाँ पे नारी शक्ति वंदन अधिनियम ने महिलाओं को गर्व से सर ऊंचा उठना सिखाया, वहीं पर इस तरह का विवादित बयान देकर उन्होंने अपनी ओछी मानसिकता का ये परिचय दिया है। उनकी खुद घर की महिलाएं अब किस रूप से उन्हें देखेंगी? पूरे देश की महिलाओं को उन्होंने अपना शत्रु बना लिया है, जहां पे देश दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी के रूप से जानी जाती है। अभी नवरात्र मनाया जाएगा, अलग अलग रूपों से श्रृंगार कराया जाएगा, और उनकी ये ओछी मानसिकता, इस तरीके की विवादित बयान से उन्हें हमेशा बचना चाहिए। उन्हें सोचना चाहिए कि ऐसा करके वो महिलाओं के अंदर बीज बो रहे हैं, एक अलग तरह का जाति का निर्माण कर रहे हैं। वो कर्मठता की बात नहीं करते, वो सुयोग्यता की बात नहीं करते, कर्तव्य परायणता की बात नहीं करते, वो बात करते हैं बॉबकट की बात करते हैं। आपने महिलाओं को इस नजरिए से देखकर अपना दुश्मन बना लिया है। आने वाले समय में महिलाएं आपको भूलेंगी नहीं, आपको माफी मांगनी चाहिए। अब मैं ये महिलाओं के ऊपर छोड़ती हूं, क्या वो उन्हें माफ करेंगी? आने वाली जो महिलाएं हैं, जो जनता है, दुनिया देखेगी, क्या वो उन्हें माफ कर पाएंगी? इस तरह की ओछी मानसिकता, अगर आप यहीं पर इतनी छोटी बात के लिए आपने इतना घटिया बयान दे दिया है, तो आगे आप महिला दे दिया है तो आगे आप महिला को कैसे आगे बढ़ाएंगे? आप तो कभी उनको कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। चलिए, तो देखिए, तमाम महिलाएं हैं जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस तरह का बयान से बचना चाहिए। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबरों के साथ बने रहें और देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। नमस्कार, मैं हूँ आपकी शिल्पा शिंदे। कैसे बा? ठीक बा? जी हाँ, मैं 26 नवम्बर को पूर्णिया बिहार पैनोरिमा स्टार सीजन 6 के प्रोग्राम में आ रही हूँ। सही पकड़े हैं। पैनोरिमा ग्रुप के निर्देशक श्री संजय मिश्रा जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। तो ई होम्स पैनोरिमा में शाम को 7 बजे मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखना, मेरा इंतजार करना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे, लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।